हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चार्टिस्ट आर्टिस्ट। 10 जुलाई को बड़े मुंह की तैयारी चल रही है, फंसना मत, मतलब एक एक्सपायरी है। देख सकते हैं मार्केट में कंसोलिडेशन हैवीली चल रहा है और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है, प्रीमियम डीके हो गए हैं। अभी ये वीक की एक्सपायरी छोड़ के आपको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए स्ट्रेडल ले सकते हो, तो एक बड़े मुंह की तैयारी चल रही है। बड़ा मुंह आ सकता है अप और डाउन, तो वेट कीजिए, एक दो दिन में आपको रिजल्ट दिखने का चालू हो जाएगा। तो आप स्ट्रेडल लेके रखिए, अगर दो वीक का एक्सपायरी लिया तो अच्छा रहेगा, एक वीक शायद मार्केट होल्ड कर ले, अप डाउन करे, बट दो वीक के अंदर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ग्लोबल सेंटीमेंट में यूएस मार्केट बुलिश है, यूरोपियन बेरिश टू बेरिश वेरी बेरिश होते जा रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ़िलहाल 24481 पे है, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिलने के चांसेस है। देखते हैं कल क्या करता है गिफ्ट निफ्टी। डॉलर इंडेक्स 105, यूएसडी आईएनआर 83.4900, मतलब 83.5 के नीचे है, हल्का सा स्ट्रॉन्ग है इंडियन करेंसी। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 106.94, ये एक्चुअल में हाई है, हल्का सा करेक्शन है, तो पाउंड तो स्ट्रॉन्ग है। यूरो वर्सेस इंडियन रुपीज़, यूरो भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, माइनर सी वीकनेस, ये 90.37 है, यस यूरो स्ट्रॉन्ग है, और जैपनीज येन 0.5185। तो इंडियन करेंसी फ़िलहाल ये चारों करेंसी के सामने करेक्शन शो कर रहा है। FII DI एक्टिविटी देखोगे गाइस, तो FII और DI का दोनों का बाइंग है। DI का बाइंग है 1416 करोड़ का और FII का बाइंग है 314 करोड़ का। माई व्यू FII and DI बाइंग। निफ्टी 50 का जो मैंने ऑलरेडी बोला था 400 टच कर लिया है, 800 का टारगेट ओपन है, अभी 500 ब्रेक करेगा तो 300 पॉइंट कंफर्म हो जाएंगे, बट 500 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ, 53090 टेक लास्ट रेजिस्टेंस है, और इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने लिखे है चार्ट, अपनी स्लाइड में देख सकते हो, आगे आएगा। टुडेज टेक्निकल कंसेप्ट डबल टॉप बॉटम, कल का डिस्कशन है, परसों का डिस्कशन है, मैं बता दूंगा वापस। आप देख सकते हो निफ्टी में डबल बॉटम मैंने बोला था, डबल बॉटम बना है तो ऊपर गया है, और बैंक निफ्टी में डबल टॉप बनाया था तो नीचे आया है। HDFC मैंने लिखा है कैन बाउंस फ्रॉम हियर, तो अभी मार्केट यहाँ पे होल्ड करना चालू करेगा, शायद दो तीन दिन का और कंसोलिडेशन कर दे, तो अगर एक वॉल्यूम बन जाएगा तो ऊपर जाने के चांसेस है। गिफ्ट निफ्टी मैंने लिखा था 24431 के ऊपर बुलिश रहेगा, तो मार्केट अभी फ़िलहाल तो 500 के नज़दीक जाके आया है। एडवांसिंग डिक्लाइनिंग स्टॉक, तो एडवांसिंग स्टॉक 1404, डिक्लाइनिंग स्टॉक 1318 और 173 स्टॉक में अनचेंज है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये अपना टेक्निकल कंसेप्ट था, डबल टॉप डबल बॉटम, देख सकते हो निफ्टी में डबल बॉटम बना था और 400 पे एक रेजिस्टेंस था, 400 ब्रेक किया है, ऊपर चल रहा है। और बैंक निफ्टी में देखो ये 52873 मैंने रेजिस्टेंस बोला था, वहाँ से नीचे एक 700 पे रेजिस्टेंस लिया और आज 437 पे एक कॉल एग्जीक्यूट किया है, देखते हैं 400 ब्रेक करेगा तो निकल जाएंगे, फिर 51932 के आजू बाजू या तो 52000 के आजू बाजू कॉल बाई कर सकते हैं। तो अगर कंटिन्यूएशन में नीचे चला गया तो तब बाई नहीं करना है, तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, अदरवाइज़ ये अप ट्रेंड अभी भी सेफ है। निफ्टी 50 में मैंने एक सपोर्ट नया ऐड किया है 24346, टारगेट एज इट इज़ है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने एक 53098 का लेवल ऐड कर दिया, आप रेजिस्टेंस में देख सकते हो ब्लैक कलर से लिखा है, और सपोर्ट एक ऐड किया है 52180, बाकी लेवल आप देख सकते हो, कल ये चांसेस है 53000 तक जाने का, और अगर कल सीधा सीधा नीचे चला जाता है तो कॉल लेने के लिए वेट करना पड़ेगा, अगर फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो हाथ मत लगाइएगा, कॉल के लिए वेट करना पड़ेगा, पुट ले सकते हो तो फिर, बट अगर सीधा नीचे जाता है तो। माय मोटो इज टू रिड्यूस नंबर्स ऑफ लॉस मेकिंग रिटेल ट्रेडर्स ओनली, 5% इंप्रूवमेंट कैन बी अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। लेवल्स ऑन चार्ट निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, तो चलो गाइस चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो गाइस हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर, आप देख सकते हो वीकली
मार्केट अभी होल्ड कर रहा है, ऊपर की लोकेशन पे है, ऊपर नीचे नहीं आ रहा है। नीचे मैंने जो सपोर्ट ड्रॉ करके रखे है ग्रीन कलर के, अभी मैं आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम पे जाऊँगा तो दिखाऊँगा। और ये डे टाइम फ्रेम है 52661, ये ब्रेक करना चाहिए तो कॉल चलेगा कल, सीधा सीधा 53,000 तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर यहाँ से सीधा नीचे जाता है तो फिर देखना पड़ेगा मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये अगर लेवल ब्रेक करता है फिर 51,990 का, फिर आगे डायरेक्शन पुट के लिए कंफर्म हो जाएगा, तो शायद यहाँ से नीचे जाके फिर फ्लिप बनाने के लिए जाए 53,000 वापस। अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम नीचे आएगा 51,800 के आजूबाजू और बाउंस करके रिटर्न चला जाता है तो छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब 53,000 जाएगा तो 53,000 पे श्योरली पुट एग्जीक्यूट कर देना। वहाँ से मार्केट फिर 51,148 और दूसरा एक लेवल रहेगा अपना 50,048। बट अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ये डबल बॉटम बना देगा और फिर मार्केट के लिए अपने जो बड़े टारगेट्स है उसके लिए हम वेट कर सकते हैं 55,500 तक। अभी चलते हैं गाइस निफ्टी के लिए। एक बार एक काम करते हैं, एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, 1 आवर टाइम, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर रेजिस्टेंस जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए। ये इंट्राडे के लिए एक रेजिस्टेंस है जिसको उसने रिएक्ट किया है प्योरली, अगर एक परफेक्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ गाइस। अगर आपको कॉल लेना है, सेफ कॉल लेना है तो इसके ऊपर लीजिएगा, मैं जो लेवल बताता हूँ आपको 52,720 के ऊपर ही सेफ कॉल लेना। बट मैंने 400 पे एग्रेसिवली ले लिया है कॉल, देखते हैं कल क्या करता है मार्केट। अगर गैप डाउन खुल गया तो बुक कर लेंगे। गैप डाउन मतलब इसके नीचे जाना चाहिए मार्केट को 51,996, उसके नीचे गया तो ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा और अपने को 50,000 का एक लेवल ओपन हो जाएगा। पहले 51,000 करेगा फिर 50,000, 51,000 पे रिएक्ट करेगा तो फिर देखेंगे रिट्रेसमेंट करके नीचे आया तो फिर 50,000 तक 50,000 के लिए होल्ड करेगी। बट फिलहाल मार्केट बुलिश है, बुलिश स्ट्रक्चर में है अभी, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं। अगर आप मंथली कैंडल देखोगे तो देखो मंथली कैंडल अभी भी रेड नहीं हुआ है और ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर है, प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर है, तब तक ये बुलिश है। 52,350 के नीचे जाएगा तब जाके कुछ बेरिशनेस आ सकता है, तो तब तक आप बेफिक्र कॉल लीजिए जब भी डिप मिले। और एक बार 52,300 के नीचे जाना चालू करेगा क्लोजिंग देना तो फिर ये 50,000 तक भी आ सकता है। देखते हैं ये महीने में शायद आएगा नहीं, नेक्स्ट मंथ में या फिर सितंबर में अपना ये नीचे की डायरेक्शन स्टार्ट कर सकता है मार्केट। तब तक मार्केट में होल्ड कीजिए, कहाँ तक जाता है मार्केट। अगर आप वीकली चार्ट अगर निफ्टी का देखोगे तो आपको एकदम क्लियरली बुलिश कैंडल दिख रहा है गाइस और आराम से मार्केट धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रहा है। अगर आप वीकली देखोगे तो दिख जाएगा, मैं आपको ये सब डिलीट करके दिखाता हूँ गाइस। देखो वीकली अगर आप देखोगे तो परफेक्ट है, मीडियम टू मीडियम जा रहा है मार्केट और अभी इसके पास अभी भी बहुत स्पेस है जाने के लिए, तो देखते हैं मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जा रहा है क्योंकि उसने काफ़ी लंबे टाइम का एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो ऊपर जाना पॉसिबल है और भी ऊपर जा सकता है मार्केट, तो देखते हैं कितना जाता है मार्केट। अपना 24,800 का टारगेट मिल जाएगा फिर 25,000 के लिए, फिर 26,000 के लिए, दो टारगेट के लिए वेट करेंगे। डेली देख लेते गाइस एक बार, डेली भी बुलिश है गाइस, लास्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है तो मार्केट अभी ऊपर ही जा रहा है। 1 आवर देखो, 1 आवर में बेरिशनेस दिखा रहा है अभी, 1 आवर में बेरिशनेस दिखा रहा है, कहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। एक तो पहला ये कॉल है, यहाँ पे सपोर्ट है 24,385, बट मैंने एक सपोर्ट आज ऐड किया था आप वो भी देख लेना, तो दूसरा फिर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है इंट्राडे के लिए है ये लेवल, 300 एक सपोर्ट का काम करेगा। अभी 300 तक आता है तो देखिए 300 के बाद वापस कॉल ले सकते हो, अगर जाना है मार्केट तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। ठीक
ठीक है गाइस, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने कल भी बोला था मेरा व्यू अभी भी अपसाइड है, मैं अपसाइड ही देख रहा हूँ। और अभी एक नेगेटिव कैंडल बना है 1 आवर में, बट बड़े टाइम फ्रेम पे ये सॉलिड बुलिश है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे बेरिशनेस है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो जब तक ये बड़े टाइम फ्रेम पे कोई नेगेटिव कैंडल नहीं बनाता है, हमको नेगेटिव नहीं सोचना है। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियोस में इतना ही था। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सभी रिटेल ट्रेडरों को भी भेजिए जिससे हम उनका लॉस कम कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।